हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट स्टडी में। और मेरा नाम है जितेंद्र वर्मा और आज हम करेंगे करंट अफेयर 24 अप्रैल की। ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 6 न्यूज़पेपर के अंदर से बनाए गए हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आते हैं तो आपको इन्हीं में से ही वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और आप हमारा चैनल जो यूट्यूब पर है श्योर शॉर्ट स्टडी के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कौन सा राज्य है उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगा जो कालाबाजारी में शामिल है? कालाबाजारी में शामिल का मतलब क्या है? COVID-19 के जो केसेज हैं अब वो दोबारा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो मेडिसिंस, ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन है जो COVID-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, उन्होंने उनको स्टॉक कर रखा है, उन्होंने उनको बल्क में इकट्ठा किया हुआ है। तो जिन भी लोगों ने ऐसा किया हुआ है तो उन पे अब कौन सा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश क्या करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट उन पे लगाएगा। जिन लोगों ने जो COVID-19 में यूज़ होने वाले जो भी मटेरियल है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इंजेक्शंस हो गया, जिन्होंने उनको बल्क में स्टोर कर रखा है, ठीक है, उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। और सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नर भी है। मध्य प्रदेश की गवर्नर भी कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए खतरा उत्पन्न करने से संबंधित मामलों में शामिल सरकार के कर्मचारियों की पहचान करने और उनकी जाँच करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया है, ठीक है। तो यह जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। किन लोगों के लिए? उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उन सरकारी कर्मचारियों को पहचानने के लिए जो कि देश के लिए खतरा है, ठीक है, जो कि देश की जो खुफिया जानकारी है उसको लीक कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। वो किसने बनाई है? जम्मू एंड कश्मीर ने। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? भारत है 87वें नंबर पे, 87th, ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? कंट्री है स्वीडन, वो है। इसकी राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो क्या है? वो है करोना। ये है स्वीडन की करेंसी यानी मुद्रा, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो है कॉलोनी। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये एक जगह का नाम है कॉलोनी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है? मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड कौन है? क्लाउस श्वाब, ठीक है। क्लाउस श्वाब जो है वो कौन है? इसके हेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। जो बाइडन यूएस के जो राष्ट्रपति हैं द्वारा आयोजित लीडर्स समिट क्लाइमेट में भारत से किसने भाग लिया है? भारत से भाग लिया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भाग लिया है। और थीम क्या थी इस मीटिंग की थीम थी अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। ये इसका विषय था, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। और जो बिडन कौन है? यूएस के प्रेजिडेंट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कमला हैरिस। एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 के लिए बुआओ फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? ये किया गया है चाइना में, ठीक है। बुआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ पे हुई है? चाइना में। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शी जिनपिंग,
ये है चाइना के प्रेसिडेंट। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये चाइना में एक जगह है हेनान, चाइना में एक जगह है हेनान, ठीक है, हेनान, हेनान जगह है चाइना में, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस और रोड कोऑपरेशन के लिए, को मजबूत बनाने के लिए मिलके काम करना, ठीक है। तो ए वर्ल्ड इन चेंज, तो ये इसका थीम था, ये आपको याद रख लेना है। और ये हुआ कहाँ पे था? हेनान में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? ये है संबंध फिनसर्व, ये है फाइनेंशियल सर्विस की फुल फॉर्म है, फिनसर्व बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जो जो होती है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होती है उनको फिनसर्व बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसने किसका किया है? संबंध फिनसर्व का, ठीक है। और आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई जो बना था वो कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। जब ये बना था उस टाइम पे इसका मुख्यालय कहाँ पे था? कोलकाता में। अब कहाँ पे? मुंबई में। इसके गवर्नर, इसमें एक गवर्नर है, बाकी एम्प्लॉयज भी होते हैं, बट एक गवर्नर होता है और चार जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। इस टाइम जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है। और आरबीआई ने अभी रिसेंटली 2020 के लास्ट में और 2021 में कई बैंक के जो है वो लाइसेंस कैंसिल किए हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। एक तो है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया था अभी थोड़े टाइम पहले। दूसरा है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस भी जो है आरबीआई ने कैंसिल किया था, ठीक है। तीसरा जो बैंक है उसका नाम है शिवम सहकारी बैंक, शिवम सहकारी बैंक, ठीक है। ये भी महाराष्ट्र का है, और वसंत दादा ये भी महाराष्ट्र का है, इन तीनों का लाइसेंस कैंसिल किया था। और चौथा जो बैंक है उसका नाम है मापूसा अर्बन कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक, ये है गोवा का बैंक, ठीक है, ये है गोवा में, इसका लाइसेंस भी जो है आरबीआई ने कैंसिल किया था। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नासा के साधन प्रिजर्वरेंस ने किस कार्य को पूरा किया? पहले तो एक क्वेश्चन समझते हैं। नासा का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्रिजर्वरेंस, ठीक है। उसने अभी एक मंगल ग्रह पर इन्होंने भेजा हुआ है, उसने अभी टास्क कंप्लीट किया है, उस टास्क का नाम क्या है? उस टास्क का नाम है मॉक्सी। अब ये मॉक्सी क्या है? मॉक्सी की फुल फॉर्म है, मॉक्सी की फुल फॉर्म है मार्स, मार्स यानी मंगल, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो इसने किया है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म बनाई हुई है मॉक्सी, ठीक है, मॉक्सी बनाई हुई है इसकी फुल फॉर्म। तो अब ये है क्या? मंगल ग्रह पे जो है वो 96% तक क्या है? CO2, ठीक है। मॉक्सी एक टास्क है, एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है जिसको मॉक्सी नाम दिया है, वो क्या है? CO2 में से कार्बन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना, यानी CO2 में से ऑक्सीजन निकालना, इस टास्क को बोलते हैं मॉक्सी टास्क। ये किसने किया है? प्रिजर्वरेंस ने, जो कि नासा का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कहाँ पे किया है? मंगल ग्रह पे, ठीक है। तो टास्क का नाम क्या था? मॉक्सी। मॉक्सी की फुल फॉर्म है ये मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, याद रखना है 23 अप्रैल को, ठीक है। और इंग्लिश डे, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश डे, इंग्लिश डे यानी कि इंग्लिश दिवस, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 2 दिन याद रखना है, यूनाइटेड नेशन इंग्लिश डे एंड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। यूनाइटेड नेशन जो है वो 6 लैंग्वेज को मानता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, 6 लैंग्वेज को मानता है, वो कौन सा है? अरेबिक, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज, इंग्लिश, इंग्लिश, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज है। चौथी है फ्रेंच। पांचवी कौन सी है? पांचवी है रशियन। छठी कौन सी है? छठी है स्पेनिश। तो ये सारे डे बनाता है 6 के 6। तो अभी 23 अप्रैल कौन सा था? यूनाइटेड नेशन इंग्लिश डे। और यूनाइटेड नेशन के जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस,
ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, इंग्लिश में तो लिख देता हूँ मैं, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, डबल आर ई एस आएगा, एंटोनियो गुटेरेस, डबल आर ई एस, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नैसकॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये बनाया गया है रेखा मेनन, ये पहली वुमेन है नैसकॉम की हिस्ट्री में जो उनकी चेयरपर्सन बनी है, ठीक है, पहली वुमेन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगा, रेखा मेनन, ठीक है। और नैसकॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय वो है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है नैसकॉम का। तो और इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी पता होना चाहिए, इन्होंने किया है यू बी प्रवीण राव, ठीक है, यू बी प्रवीण राव को, यू बी प्रवीण राव, तो इनको रिप्लेस किया है किसने, रेखा मेनन ने। अब नई चेयरमैन कौन है, रेखा मेनन। फरीद सबरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो थे सिंगर, ठीक है, क्वाली सिंगर थे फरीद सबरी, इनका जो है निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और पर्सन है जिनका निधन हुआ है, वो है मौलाना मौलाना वाहिदुद्दीन, ये कौन थे, ये थे स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, ऑथर थे, लेखक, ठीक है, और इस्लामिक स्कॉलर थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर, ऑथर, इस्लामिक स्कॉलर थे मौलाना वाहिदुद्दीन, ठीक है, इनका भी निधन हो गया। और फरीद साबरी ये कौन थे, ये कव्वाली सिंगर थे, इनका भी निधन हो गया है। ये पिक्चर किसकी है, ये है फरीद साबरी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड फोर्स फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज, व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर, एफ क्या है इसमें, एफ है फ्री, ठीक है, ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी ओपन सोर्स क्या होता है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होते हैं जिनका लाइसेंस होता है, ठीक है, एक तो होता है जिनका लाइसेंस होता है, उनका लाइसेंस हमें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एक होता है फ्री ओपन सोर्स, उनको हम जस्ट डाउनलोड करो और चला लो। तो अभी इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, इनोवेशन चैलेंज चलाया है फोर्स गवर्नमेंट के नाम से, ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये चलाया क्यों इन्होंने, ताकि ये प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, ताकि फ्री और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है उनको गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सके, गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए फ्री एंड ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में यूज़ कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट यूज़ कर सके। तो इसके लिए इन्होंने एक चैलेंज शुरू किया है जिसका नाम है फोर्स फॉर गवर्नमेंट। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, इसके अलावा ये सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी है, सामाजिक न्याय मंत्री, सोशल जस्टिस और लॉ मिनिस्टर भी है, ठीक है, आईटी लॉ मिनिस्टर भी यही है। अब स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, इंटांगी नेशनल पार्क किस राज्य में है, इंटकी नेशनल पार्क किस राज्य में है, यह है नागालैंड में, नागालैंड में है इंटकी नेशनल पार्क। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जो कि होगी 25 अप्रैल की, तब तक के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, चैनल का नाम है श्योर श्योर स्टडी, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक आपको वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।